एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक साउट। तो आज होने वाला है एक और बेहतरीन मुकाबला। जी हां, टीम डी बनाम यूनाइटेड इंडिया। तो टीम डी की तरफ से इस बार जीजा जी डी आई डी आर एन एस डी आर एन, तो यह है टीम डी की स्क्वाड। और यहाँ पे बात करें तो यूनाइटेड इंडिया की तरफ से एनडी प्रियांशु, एनडी बीस्ट बॉट और नेपाली, साथ साथ गुच्छी ब्लेड। तो भाई इनकी स्क्वाड के नाम चरंगे बरंगे हैं और काफ़ी अच्छा बैटल चलेगा। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम पहले राउंड से लीड लेने वाली है, टीम डी बनाम यूनाइटेड इंडिया हो। तो अजय इनके बीच में पहला भी एक मुकाबला हो चुका है जिसके अंदर टीम डी बखूबी जीत गई थी 7-2 से। तो आज इनके सामने दोबारा से बैटल हो रहा है, तो इस बार यूनाइटेड इंडिया की स्क्वाड पूरी चेंज आई है। और वहीं बात करें तो टीम डी की स्क्वाड से इस बार रॉकर को हटा के जीजा जी को लाया गया है। तो काफ़ी अच्छा बैटल, टीम डी की स्क्वाड पहले ही राउंड से प्रेशर मार चुके हैं। 2-on-2 सिचुएशन, यही ने एक और बंदे दो बंदों को नॉक कर दिया, आर्यन ने एक और बंदे को नॉक कर दिया है। 2v2 गेम हो चुका है। रॉकर है नहीं इस गेम के अंदर, तो रॉकर क्यों आते आ रहे हैं। आर्यन की डबल किल आ चुकी है, आर्यन बखूबी रोल आ रहे इस गेम के अंदर, बंदे ने देखा है नॉक मार दिया है। तो 2 किल के साथ आर्यन 20 बॉट, सामने बंदा है एक और बंदे को ले चुके हैं। तो डी आई के सामने एक बंदा है, 1-on-1 सिचुएशन, बंदा मुंह पे, डी आई की डबल किल, डेजर्ट ईगल से 1-0 से आगे टीम डी। सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है जो कि ना मार्च इलेक्ट्रिस के अंदर, और डी आई की अलग ही स्ट्रेटजी देखने में नजर आ रही है मार्च इलेक्ट्रिस की बात करें तो। और टीम डी 1-0 से बखूबी लीड कर रही है। यूनाइटेड इंडिया की स्क्वाड इस बार मजबूत हो गई है पूरी की क्यों, इस बार 3 बड़े चेंज करके आई है सेकंड मैच के अंदर। जी हाँ, बेस्ट ऑफ 3 इनके बीच होने वाला था, तो अब उसके बीच में देखने वाली बात होगी। गुच्छी ब्लेड नॉक हो चुके हैं, नेपाली नॉक हो चुके हैं, या ही के हेडशॉट आ रहे हैं, आरएनएस का फर्स्ट ब्लड आ रहा है। तो यूनाइटेड इंडिया वन ऑफ द बेस्ट और बेहतरीन गिल्डों में इनका नाम सुमार रहा है, शुरू से लेजेंडरी गिल्डों में इनका साथ के साथ नाम सुमार रहा है, क्योंकि एक टाइम पे नेक्स्ट लेवल नहीं बोलेंगे इसको, टॉप 1 पे रहती थी कोकराझार। जी हाँ, कोकराझार के नाम से इनका नाम हुआ करता था, अब ये टॉप 1 पे रहते थे ग्लोरी में, और आज के टाइम पे टॉप 3-4 पे रह चुके हैं। तो एक टाइम पे बहुत नाम हुआ करता था कोकराझार और यूनाइटेड इंडिया, तो अब नाम चेंज होकर यूनाइटेड इंडिया हो चुका है। तो पहले के टाइम पे अलग ही रुतबा और नाम था, क्योंकि एक से एक बड़ा लेजेंडरी बंदा इन्हीं गिल्डों ने दिया। आज के टाइम पर हर एक बंदा अलग हुआ, हर एक बंदे ने अलग अलग गिल्ड बनाई, तो बहुत ज़्यादा गिल्ड हो गई। तो उस वजह से आज के टाइम पर अच्छे अच्छे बंदा हर एक गिल्ड में देखने में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी यूनाइटेड इंडिया कैसे परफॉर्म कर पाती है। 1-on-4 सिचुएशन, दूसरा मैच चलता हुआ बेस्ट ऑफ 3 पे, पहला मैच टीम डी जीत गई, तो दूसरा मैच कौन सी जीतेगी, जीजा जी साथ के साथ आर्यन कंटिन्यू MP5 चला रहे हैं यहाँ पे, बस इनकी समझ नहीं आ रहा मारूं कैसे। और 2-0 से आगे टीम डी। फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है जो कि मैंने ऑब्जर्वेटरी के अंदर, और यहाँ पे टीम डी 3-0 से लीड कर रही है। माफी चाहूंगा लास्ट राउंड में किसी टेक्निकल इशू की वजह से दिखा नहीं पाया, पर वहाँ पे बात करें तो शायद डी आर्यन अच्छा चल गए, 5 किल करी है इन्होंने, तो ये इन्होंने ट्रिपल किल मारी थी लास्ट राउंड में शायद मेरे ख्याल से। तो काफी अच्छा बैटल चल रहा है दोनों तरफ, 4v4 यूनाइटेड इंडिया मुसीबत में आ चुके हैं। हाँ, बहुत ही प्यारे बंदे यूनाइटेड इंडिया के आप सबके सामने बैटल कर रहे हैं। वहीं बात करें टीम डी की स्क्वाड प्रेशर बना रही है पूरा। आर्यन तो रुखे से नहीं रुक रहे इस मैच के अंदर, बात करें बंदों में घुसे तो आर्यन को मैं देखना चाहूंगा, आर्यन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अंदर घुसने की ट्राई में है क्या, घुसेंगे या फिर नहीं। यहाँ पे 6 वॉल लगाई हुई है, तो सोच सकते हो क्या झुगड्डा बना हुआ है। यहाँ पे बात करें एक और बंदा अंदर है, तो आर्यन ने साइड से ऊपर से डी आर्यन, तो डी आर्यन की खिलाती हुई एक और बंदा ऊपर से आ गया, तो डी आर्यन क्या खेल रहे हैं। तो उभरते हुए सितारे डी आर्यन, एक और टीम डी के जो कि सीएस खेलते हैं, और एक और 3 किल। अरे भाई डी आर्यन क्या मार रहा है, हेड बॉडी शॉट, हेड शॉट भाई साहब। यहाँ पे पिछले राउंड में भी ट्रिपल किल मारी इन्होंने, इस राउंड में भी ट्रिपल किल हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो क्या क्वार्टर मार पाएंगे, क्या इनको क्वार्टर मिलने वाली है, क्या इनके हाथों से क्वार्टर जाने वाली है। कंटिन्यू बॉल तोड़ रहे हैं, यहाँ पे बंदे ने हील कर लिया अंदर आके, तो यहाँ टीम डी के बंदों ने थोड़ी सी झोंका धक्की कर दी, यहाँ पे बंदों को देखा नहीं और यहाँ पे हील कर लिया है प्रियांशु 20 वॉट। सामने आर्यन आ चुके हैं, क्या आर्यन एक बंदे को ले चुके हैं, सामने एक और बंदे को मारा है, तो ट्रिपल किल फिर से डी आर्यन की, और एक किल आएगी, 4-0 से आगे टीम डी। 5वां राउंड क्लॉक टावर का राउंड, क्या यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया वापसी कर पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। 4-0 से पिछड़ रही है या नहीं, देखने वाली बात होगी कौन सी टीम इस राउंड के अंदर देखने वाली है गेम को। और यहाँ पे गुच्छी ब्लेड पूरा वेट कर रहे हैं, यही उड़ते उड़ाते आ रहे हैं और निकलते ही लाल मार देंगे मेरे ख्याल से, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, पर यहाँ पे मिस हो गए। तो यहाँ पे यही अब नहीं बक्सेंगे इनको मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर से भी हेडशॉट आ चुका है, कवरअप में देरी नहीं कर रही है टीम डी, यूनाइट होकर खेल रही है एक दूसरे को कवरअप के साथ साथ ही। INT बीस्ट को नौकरी ले गया, पीछे से यही आ चुके हैं। तो यहाँ पे आर्यन, जी हाँ, सुपर 10 के करीब 5वें राउंड में क्या ही खेल रहे हैं, पिछली बार आ रहे हैं इस गेम के अंदर डी आर्यन, काफी अच्छा गेम चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक एम 20,000 रहने वाला है। जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एम 20,000, जल्दी 20,000 लाइक हो जाती है। और यहाँ पे बात करें टीम डी चढ़ के खेल रही है यूनाइटेड इंडिया के ऊपर, यूनाइटेड इंडिया के वापसी करेगी, 2v3 सिचुएशन हो गई है। 5वां राउंड चल रहा है और यहाँ पे डी आर्यन 9 किल के साथ खेल रहे हैं और काफी अच्छा बैटल चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक एम 20,000 रहने वाला है, क्योंकि 20,000 लाइक देखते देखते हो जाती है, हर एक बंदा जो भी आ रहा है यार, दिल से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब मार के जाए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा
तरोताजा वर्सेस चल रहा है आप सबके सामने। और क्या ही खेल रहा है डीआरएन पर, 5-0 से आगे टीम डी, 10 किल डीआरएन की 5वें राउंड में। ये अच्छा बैटल चल रहा है, 5-0 से टीम डी की स्क्वाड लीड कर रही है। आर्यन 10 किल के साथ खेल रहे हैं, क्या यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया से उम्मीद रहेगी कि वापसी करें? जी हाँ, ऐसा मौका हर बार नहीं आता है, पर यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड अलग ही लेवल खेल रही है। जी हाँ जी, का एक ओपी लेवल हेडशॉट आता हुआ ट्रिपल किल हेडशॉट के साथ फर्स्ट ब्लड कंप्लीट एंड प्रांस ऊपर है। और यहाँ पे इस बार आर्यन की खबर ले ली गई है। जी हाँ, इस बार डी आर्यन की क्लास लगा दी पूरी की पूरी। प्रियंस ने 3-on-3 सिचुएशन, एक और बंदा टीम डी का नॉक, तो टीम डी पे वापसी हो रही है। या ही को कर दिया नॉक, यहाँ पे क्या कंप्लीट कर पाएंगे? पीछे से बंदा है नेपाली का हेडशॉट। जी हाँ, ये नेपाली यहाँ पे पूरे के पूरे पूरी मोमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्पीड दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ इस बंदे के पास, एक्यूरेसी भी नेपाली। देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे। 2v3 सिचुएशन, नेपाली लाल मार दिया नेपाली ने भाई, और सामने आ रहे हैं नॉक। यहाँ पे बैकअप में कमी नहीं, और इस बार यूनाइटेड इंडिया वापसी कर रही है पूरी की पूरी दमदार के साथ, और अकेले जीजा जी रह गए हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा बैटल चल रहा है, दोनों टीमें बखूबी खेल रही हैं। यूनाइटेड इंडिया यहाँ पे वापसी करती रहेगी कंटिन्यू, या टीम डी की स्क्वाड वापसी करने वाली है लास्ट अगले राउंड में, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच दोनों ही टीमों के बीच में फ्रेंडली वर्सेज हो रहा है। जी हाँ, कोई दुख दाया ना रखें आपस में कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, तो फ्रेंडली वर्सेज चलते हैं सारे के सारे टीम डी पर। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कौन सी टीम जीतने वाली है। और काफी अच्छा डैमेज, 40 की हेल्थ बची है जीजा जी, जीजा जी के सामने 1-on-3 और हेडशॉट आता हुआ गुच्ची ब्लेड का, 5-1 से वापसी कर रही है यहाँ पे अपनी यूनाइटेड इंडिया। 7वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, गुच्ची ब्लेड की 4 किल, क्या गुच्ची ब्लेड वापसी कराने वाले हैं अपनी स्क्वाड को? देखने वाली बात होगी। बंदे को देखा है बॉडी शॉट ट्राई, और इतनी देर में लाल मार दिया है आर्यन। जी हाँ, डी आर्यन क्या ही हेड मार रहे हैं, एक ऐसे बखूबी गेम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल गेम चलता हुआ डी आर्यन का। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी लगता है मेरे को भी इनसे, भाई क्या खेल रहा है लौंडा। और वहीं बात करें डी आई पूछे से मौका ढूंढ रहे हैं, और नेपाली को नौकर दिया गया। डी जीजा जी हेडशॉट मारना जानते हैं, जी हाँ होल्ड करके खेलना जानते हैं अपने गेम को, बंदा मुंह पाएगा तो हेड मार देंगे। डी आई डेजर्ट ईगल में मारा था सिलेन को, और कहते ही नाम 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 दिखा दिया काम। और यहाँ पर बात करें डी आर एन के पास मूवमेंट रफ्तार, ट्रिपल किल प्लेयर जिसको मैं दिखा रहा हूँ वही बंदा किल करता हूँ। वहाँ पे एक और बंदे को नॉक, और डी आर एन के पास हर चीज उपलब्ध है। 5-1 से आगे है टीम डी की स्क्वाड, एंड बीट बॉस्ट यहाँ पे बीट दिखा पाएंगे बीस्ट। और यहाँ पे बात करें 1-on-4 सिचुएशन, एक बंदा नीचे लेटा है बीस्ट, देखते क्या कर पाते हैं। कोई नहीं नीचे लेटा हुआ, यहाँ पे साफ सीढ़ी खेलते हुए पूरे पूरे नागिन नीचे लेटी है जीजा जी, और अकेले बीस्ट बॉट, क्या बीस्ट वाला गेम दिखा पाएंगे। डबल किल डीआरएन की, 6-1 से आगे टीम डी, 12 किल डीआरएन की भाई की बनाए पूछी नॉक के अंदर, और टीम डी की स्क्वाड 6-1 से लीड कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और गेम प्ले पसंद आ रहा है तो वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप करना, क्योंकि हर एक लाइक से आपकी से यार संतुष्टि मिलती है दिल को कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। और इस वीडियो का लाइक एम 20,000 रहने वाला है, और साथ ही साथ जो भी नए आ रहे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 200K फैमिली गेम बहुत ज्यादा करीब है। तो आप हेडशॉट पड़ चुका है इनको पीछे से, डी आर्यन आगे पीछे से घेरा और यहाँ पे ले लिया गया डी आर्यन को पूरा का पूरा। नेपाली नॉक हो गया इनके साथ साथ, यूनाइटेड इंडिया 3v3 सिचुएशन क्या संभाल पाएंगे इनको? बंदे को हील करने के लिए एक और बंदा आ चुका है, यूनाइटेड इंडिया की स्क्वाड एक साथ यूनाइट होकर खेलना पड़ेगा इनको। और यहाँ पे बात करें जीजा जी पीछे से खेल रहे हैं पूरे के पूरे, वहीं बात करें या ही ऊपर है, तो 4v4 दोनों तरफ दोनों टीमें आमने सामने, 4-4 बंदे यहाँ पे, दिमाग का गेम चलता हुआ, अनलिमिटेड एमो नौ है, और जीजा जी को ले लेगा नॉक। बंदे ने मारा है हेडशॉट 70 की एल, 3v3 सिचुएशन, जीजा जी खत्म हो चुके हैं 3v3। आरएनएस नॉक हो चुके हैं, प्रियांशु पीछे से आ चुके हैं, बीस्ट बॉट बीस्ट ने आरएनएस को फिर से नॉक ले लिया है। तो सामने आर्यन की हेल्थ बस 60-40 की हेल्थ, और या ही पहुंच चुके हैं घर के ऊपर। अरे लाल 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 ही लाल खेलते हुए डी आई हाइट के, और यहाँ पे 1-on-2 सिचुएशन, 1-on-3 सिचुएशन, तो गेम बदलते हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड इंडिया इस बार यूनाइट होके खेली, सारे बंदे साथ खेले, एक और बंदे को मार दिया डी आई ने, तो डबल किल आ चुका है सामने से बात करें। और काफी अच्छा गेम चल रहा है यहाँ पे, 1-on-2 सिचुएशन, यहाँ पे वापसी करेगी यूनाइटेड इंडिया इस गेम के अंदर लग रहा है। देखते देखते यहाँ पे बंदे को हील करने जा रहे हैं नेपाली, फिर से हील हो चुके हैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया, इस बार नॉक हुई पर बंदों ने हील किया, और क्या हेडशॉट, क्या हेडशॉट, 6-2 से वापसी यूनाइटेड इंडिया की भाई। हो चुका है जो कि बनाए अपना सेंटोसा के अंदर, और 9 किल के साथ डी आई, 12 किल के साथ डी आर्यन, और वहीं से बात करें पूरी यूनाइटेड इंडिया की सबके बराबर किल ऑलमोस्ट। और यहाँ पे यही सामने 3-4 के पेयर में खेल रही है पूरी पूरी नेपाल की ये स्क्वाड। नेपाल की क्यों है भाई, यूनाइटेड इंडिया की स्क्वाड है, शायद ये नेपाल से हैं बंदे हमारे नेपाली, और यहाँ पे इनको नॉक ले लिया गया है। शॉट शॉट कंप्लीट कर देंगे डी आई, 3v3 सिचुएशन हो गई है, एक बंदा टीम डी का नॉक होता हुआ नजर आ रहा है। डी आर एन एस इस गेम के अंदर जल्दी जल्दी नॉक होते हुए समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3v3 सिचुएशन हो गई है, तो बहुत जल्दी इलिमिनेट किया इन्होंने डी आर एन एस को हर राउंड के अंदर, क्योंकि पहले मैच के अंदर MVP रहे थे, पर इस मैच के अंदर अलग ही गेम देखने में नजर आया। जो MVP था उसको हर राउंड में सबसे पहले इलिमिनेट किया यूनाइटेड इंडिया ने टारगेट करके डी आर एन एस को। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूनाइटेड बनाप टीम डी का पहला मैच पहले भी हो चुका है जो कि टीम डी जीती, तो दूसरा मैच चलता हुआ बेस्ट ऑफ 3 का, और यहाँ पे यही को फिर से ले लिया, तो यूनाइटेड इंडिया समझ चुकी है साथ होकर खेलो, और टीम डी की स्क्वाड धीरे धीरे आएगी और सारे बंदों को हम इजीली ले जाएंगे। और यहाँ पे बात करें आर्यन के साथ साथ यही अकेले जीजा जी, यहाँ पे वापसी कर रही है, दो बंदों को लाल
मार दिया है, एक बंदों को हेड मारा है, एक को नॉक सा कर दिया पूरा, और क्या खेले जीजा जी, सामने बंदों के हेड शॉट खुले हुए हैं। वर्ल्ड ऑन थ्री सिचुएशन और यूनाइटेड इंडिया धीरे धीरे वापसी कर रही है टीम डी की स्क्वाड के ऊपर, अब ऑल तोड़ी जा रही है, 20 की हेल्थ और खत्म, कुछ चिपलेट की डबल किल, 36 से वापसी यूनाइटेड। 10वां राउंड स्टार्ट है जो गिवन है अब मील के अंदर, याई को स्टार्टिंग में नॉक ले लिया गया, नेपाली का डेजर्ट ईगल से हेडशॉट, तो बदले से बदला ले लिया एक दूसरे से, और यहाँ पे याई को बचाने के लिए, शायद उनकी अस्थियों को बचाने के लिए DRNS आ चुके हैं, तो यहाँ पे MP40 लेते हुए इनसे 3v4 सिचुएशन, जीजा जी अंदर हो चुके हैं। वहीं बात करें RNS आर्यन 12 किल के साथ, तो आर्यन देखते हैं क्या कर पाते हैं, सामने बंदा है, और भाई कहाँ एम, कहाँ बंदा, क्या शॉट मार गए प्रियांशु, अलग ही लेवल गेम, हेड शॉट मार गए 2v1 सिचुएशन, और यहाँ पे वापसी कर रही है यूनाइटेड इंडिया 6-4 से, गेम बदल रहा है। 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, टीम डी की स्क्वाड 6-4 से लीड कर रही है यूनाइटेड इंडिया के ऊपर, पर यूनाइटेड इंडिया ने लगातार, जी हाँ लगातार 3 राउंड जीत कर वापसी के संकेत पूरे दे दिए हैं टीम डी के स्क्वाड को, कि जनाब इतनी आसानी से आप मैच नहीं ले जा सकते, पिछली बार बेशक ले गए पर इस बार टीम चेंज, बंदे चेंज और गेम चेंज और एग्रेसिव चेंज, सब कुछ चेंज, कपड़े चेंज और टाइम चेंज, दिन चेंज, और एक बंदा नॉक, तो नेपाली को फिर से हेडशॉट, तो DI पीछे की तरफ, तो किसी ने किसी को हेड दिया है, आर्यन नीचे की तरफ खेल रहे हैं 4v4 दोनों तरफ, यहाँ पे RNS नीचे की तरफ, पूरी स्क्वाड एक साथ होकर खेल रही है, यहाँ पे वापसी कर रही है यूनाइटेड इंडिया, पहला मैच टीम डी जीत गई, पर यहाँ पे बात में इस मैच के अंदर पूरा रुतवात खा दिया, पर ये जो था हेड, पर लिटरली भाई उस हेड का तो मैं खुद फैन हूँ, क्योंकि जब बंदे की हेल्थ 8 की थी तब बंदे ने हेड मारा, यूनाइटेड इंडिया के दो बंदे समझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो पे लाइक, 20,000 का रहने वाला है तो लाइक बिल्कुल करना, तो साथ के साथ हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने लगे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो साथ के साथ आपको हम एक टीम कोड देंगे जिससे आपको चांस मिलेगा हमारे साथ खेलने का रोजाना शाम के वक्त। और वहीं बात करें टीम डी 7-4 से जीत गई दूसरा मैच अगेंस्ट यूनाइटेड इंडिया, बात करें 12 किल DI की, 12 किल DRI उनकी, 7 किल प्रियांशु की, 6 किल नेपाली की, 6 किल गुच्ची ब्लेड की, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, उमदा परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।